स्वच्छता का चक्कर लगा चुके इंदौर को हमेशा नंबर वन बनाए रखने के लिए मछली विक्रेता आगे आए हैं। मछली विक्रेता संघ के श्याम गौड़ ने शानदार पहल करते हुए बताया कि थर्माकोल के बॉक्स का उपयोग मछली विक्रेता नहीं करेंगे, जिससे गंदगी नहीं फैलेगी। थर्माकोल के बॉक्स लेने से नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी मना कर देते हैं, क्योंकि ट्रेंचिंग ग्राउंड पर भी थर्माकोल बैन हो चुका है। मटन मार्केट में व्यापारियों ने निगम की टीम के साथ शपथ ली। स्वच्छता में एक के बाद एक 6 बार नंबर आने के बाद अब 7वीं बार नंबर वन आने के लिए जहां नगर निगम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वहीं अब इंदौर के मछली विक्रेता संघ ने शहर की स्वच्छता को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसमें अब वो मछलियों को रखने के लिए थर्माकोल बॉक्स का उपयोग नहीं करेंगे। इसी को लेकर मछली विक्रेता संघ के श्याम गौड़, CSI राजेंद्र बेगा, HMS के आकाश भालसे ने मिलकर पूरे मार्केट में समझाइश दी। बताया गया कि थर्माकोल कितना घातक है, इसका उपयोग नहीं करना है। निगम अधिकारियों ने मछली और मटन व्यापारियों को साफ तौर पर कह दिया कि थर्माकोल के बॉक्स का उपयोग नहीं करें। निगम अधिकारियों के साथ मछली विक्रेता संघ के श्याम गौड़ ने सभी को समझाइश दी। थर्माकोल जो बैन हो चुका है, तो हमने सभी मछली विक्रेता संघ ने मतलब शपथ ली है कि आज के बाद थर्माकोल यूज नहीं किया जाएगा। और हम लोग पहले भी कैरेट में मछली फिश आती थी, और अभी भी अब हम चाहते हैं कैरेट में आएगी मछली फिश। अगर मतलब इसको थर्माकोल को हमने सभी मछली विक्रेताओं ने मतलब शपथ ली थर्माकोल का यूज नहीं किया जाएगा। और जो थर्माकोल जो है वो 200 रुपये का आता है, ट्रे 400 रुपये की आती है, तो हम लोग चाहते हैं कि ट्रे यूज़ करें। मतलब ट्रे क्या है कि हम सालों यूज़ करते हैं, एक बार लेके आते सालों यूज। थर्माकोल क्या है कि एक बार यूज़ होता है और उसको मतलब पटका जाता है। तो अभी भी ढेर हो गया था, पेपरबाजी भी हुई थी, तो मतलब पेपर में आया था उतना ढेर पड़ा हुआ था। तो हम चाहते ही नहीं कि जब ट्रे यूज़ होगी तो ये कचरा होगा ही नहीं। और इंदौर मतलब हम लोग भी यही चाहते हैं, जो महापौर जी चाहते हैं, मतलब इंदौर हमेशा नंबर वन आया है और हम चाहते हैं कि हमेशा आए। नाम आपका? मेरा नाम श्याम गौड़। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।